प्रधानमंत्री जी ने उनके मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 के दो वैक्सीन एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। उम्मीदों का साल माना जा रहा है 2021 और देश के लिए ये पहली उम्मीद बनकर सामने है। दो कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड, देश तैयार है वैक्सीनेशन के लिए। तैयारियों की पहले दौर की परीक्षा भी हो चुकी है। इन सब के बीच आज सीएम योगी ने दोनों वैक्सीनों के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और आज प्रधानमंत्री जी ने उनके मार्गदर्शन में देश के वैज्ञानिकों ने भारत पहला देश है जिसने कोविड-19 के दो वैक्सीन एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कोविड-19 के वैक्सीन के लिए उन लेबोरेटरीज का स्वयं निरीक्षण किया, वहां भ्रमण किया और वहां जाके उन कार्यों की समीक्षा की। आज उसका परिणाम है कि भारत आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है और दुनिया के अंदर जिस भारत के बारे में कहा जाता था कि दुनिया के अंदर जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो जब वो वहां समाप्त होती है तब तो हम उसको अपनाते हैं, लेकिन आज भारत ने दुनिया के सामने साबित कर दिया, दुनिया के अंदर एक वैक्सीन आई है और भारत एक साथ दो दो वैक्सीन प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लॉन्च कर रहा है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, देशवासियों को बधाई देता हूं और अपने देश के उन सभी वैज्ञानिकों का जिन्होंने इस क्षेत्र में व्यापक शोध करके और समय से इस वैक्सीन को उपलब्ध कराने में अपना योगदान दिया है, उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उनके इस पूरे अभियान के प्रति मैं प्रदेशवासियों की ओर से अपनी शुभकामनाएं भी उन्हें देता हूं। सीएम योगी के अलावा प्रसपा के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि निसंदेह यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित उपयोग की अनुमति दे दी है। भारतीय वैज्ञानिकों की मेधा और उद्यमिता को नमन। आपको बता दें कि 1 और 2 जनवरी को वैक्सीन को मंजूरी देने को लेकर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई थी। काफी विचार विमर्श के बाद सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। अगला पड़ाव DCGI की मंजूरी का था जो अब पूरा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।